इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी के लिए अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, खुद भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल ने एयरपोर्ट पर अगवानी की। अमित शाह के साथ ही फ्लाइट से आए हरियाणा के सीएम खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल आज लेंगे शपथ, दोपहर 2:20 पर होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से पहले नितिन पटेल के घर जाकर मिले भूपेंद्र पटेल, नितिन पटेल का लिया आशीर्वाद। बैठक के लिए अंदर जाने से पहले नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल ने दिखाए विक्ट्री साइन, दोनों के बीच किसी तरह के मतभेद की खबरों को खत्म करने की कोशिश। मुलाकात के बाद नितिन पटेल ने कहा, भूपेंद्र पटेल के साथ मेरा कई सालों का रिश्ता, हमारे पारिवारिक संबंध, भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से लोगों में खुशी। नितिन पटेल की सफाई, बोले महसाणा में मेरा पहले से तय कार्यक्रम था, मैं भूपेंद्र पटेल के साथ खड़ा हूँ। नितिन पटेल ने सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी की बात की खारिज, का मुझे पार्टी में कोई पद मिले या ना मिले 18 साल की उम्र से बीजेपी में कर रहा हूं काम, आगे भी करता रहूंगा। भूपेंद्र पटेल के सीएम चुने जाने के बाद पार्टी नेताओं के साथ राजभवन नहीं गए थे नितिन पटेल, महसाणा के लिए निकले। नितिन पटेल ने सीएम नहीं बनने पर नाराजगी से किया इनकार, महसाणा के कार्यक्रम में कहा, जनता के दिलों में रहता हूं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। नितिन पटेल ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं, कई और लोगों की भी बस छूट गई। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शपथ ग्रहण से पहले अहमदाबाद में आज सुबह अपने पड़ोसियों से मिले भूपेंद्र पटेल, पड़ोसियों ने गुलदस्ता और मिठाइयां देकर दी शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण से पहले आज एक्शन में दिखे भूपेंद्र पटेल, साईं बाबा मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, मंदिर के बाहर लोगों से की मुलाकात। भवानीपुर से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने किया नामांकन, उपचुनाव में ममता के खिलाफ मैदान में है प्रियंका। भवानीपुर विधानसभा से नॉमिनेशन से पहले कोलकाता में प्रियंका टिब्रेवाल की रैली, सड़क पर बैंड बाजे के साथ दिखे समर्थक। ढोल की थाप पर थिरकते दिखे प्रियंका टिब्रेवाल, हाथ में धनुष लिए डांस करती नजर आई। प्रियंका टिब्रेवाल का ममता सरकार पर हमला, कहा न्याय के खिलाफ लड़ाई है, पश्चिम बंगाल के जनता की लड़ाई है। प्रियंका टिब्रेवाल की वोटर से अपील, भवानीपुर की जनता को मिला है मौका, अन्याय के खिलाफ का रिपोर्ट। नामांकन से पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंची बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल, मंदिर में पूजा की, भगवान से आशीर्वाद लिया। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का हमला, कहा दीदी अपने व्यवहार की वजह से अपने इलाके में अलोकप्रिय, नंदीग्राम में हारी, भवानीपुर में भी हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने प्रियंका को बताया बंगाल की बेटी का, 60-65% वोटिंग हुई तो प्रियंका टिब्रेवाल की जीत होगी। कुशीनगर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा 2017 के पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हसम कर जाते थे, आज गरीबों का राशन निकलेगा तो वो जाएगा जेल। कुशीनगर के कार्यक्रम में कांग्रेस पर भी बरसे योगी, कांग्रेस को बताया आतंकवाद की जननी, कांग्रेस ने सिर्फ किया राम भक्तों का अपमान। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला, कहा बिच्छू कहीं भी होगा वो तो डसेगा ही, तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता वालों को जनता कतई बर्दाश्त ना करे। कांग्रेस ने कहा कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए योगी ध्रुवीकरण पर उतरे, गंगा में लाश तैरने पर यूपी की जनता को देना होगा जवाब। एन सी नेता उमर अब्दुल्ला का योगी पर हमला, कहा मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता और नफरत तो बीजेपी का एजेंडा, कहा एक सीएम दावा कर रहा है मुसलमानों ने हिंदुओं के राशन खा लिए। राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अब्बाजान वाले यूपी के सीएम के बयान का किया समर्थन, कहा पहले पीड़ितों और वंचितों को नहीं मिलता था राशन। दिनेश शर्मा ने कहा चुनावी मुद्दों को बदलना चाहता है विपक्ष, महाराष्ट्र बंगाल हैदराबादी सोच लेकर आ रहे हैं लोग, अब तालिबानी सोच वाली शक्तियां पैदा होंगी, संकीर्ण मानसिकता नहीं चलेगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द, अचानक लौट रही हैं दिल्ली। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में अचानक हुआ बदलाव, आज रायबरेली में प्रियंका को लगाना था जनता दरबार, कई गांवों को करना था दौरा। यूपी में कोरोना के चेहरे को लेकर, कांग्रेस के चेहरे को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कड़ी मेहनत कर रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी उत्तर प्रदेश का चुनाव, किसी पार्टी से गठबंधन से इनकार, सभी 403 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। ओवैसी के बाद मुख्तार अंसारी पर डोले डाल रहे ओपी राजभर, बोले पसंद की किसी भी सीट से लड़े चुनाव, भागीदारी मोर्चा करेगा प्रचार। यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला आज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी होंगे मौजूद। आज अयोध्या पहुंचेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, रामलला और हनुमान गढ़ी के करेंगे दर्शन, साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। यूपी चुनाव में भगवान राम भरोसे आम आदमी पार्टी, 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप, का बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर पूरा करना चाहती अपना राजनीतिक एजेंडा, बीजेपी की बूथों पर नजर, कार्यकर्ता अलोकतांत्रिक इरादों से पूरी तरह रहे सतर्क।
अखिलेश की कार्यकर्ताओं को फिलहाल कहा बूथ पर थोड़ी सी भी चूक ना हो, मतदाता सूची में नाम बढ़ाने पर ध्यान दे, कार्यकर्ता सबका सहयोग लें और सम्मान करें। मायावती ने बाढ़ से तबाही पर योगी सरकार को घेरा, ट्वीट कर बोली बाढ़ के कारण फिर तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन बेहाल, सरकारी योजना हवा हवाई होने से लोग परेशान। मायावती की बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील, कहा सरकारी मदद के अभाव में बाढ़ पीड़ितों की करें मदद, किसी को बेसहारा ना छोड़ें, अपनी मानवीय जिम्मेदारी यथासंभव निभाएं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को लिखा खत, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग। दिल्ली के सबसे मंझे इलाके में बड़ा हादसा, एक चार मंजिला इमारत गिरी, दो बच्चों के दबे होने की आशंका, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम जारी। सरकार पेगासस जासूसी मामले में विस्तृत हलफनामा दायर करने के पक्ष में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए सरकार अपनी तरफ से एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर मामले की जांच के लिए तैयार। हलफनामा नहीं दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हमने केंद्र सरकार को एक मौका दिया था, केंद्र हलफनामा दायर नहीं कर रहा लेकिन हमें आदेश देना होगा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की खराब हवा पर जताई चिंता, का पराली जलने से 10 अक्टूबर से नवंबर के बीच खराब होगी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। दिल्ली सरकार ने पराली का भी हल निकाला, बायो डिकम्पोजर से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पराली को लेकर सीएम केजरीवाल का पड़ोसी राज्यों पर हमला, कहा आरोप लगाने से काम नहीं चलता, पराली समस्या के लिए जिम्मेदार सरकार। केजरीवाल की केंद्र से अपील, का खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव करें। केजरीवाल जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। महंगाई को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सरकार पर किया हमला, का बीजेपी की सरकार की वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी। कर्नाटक के विधायक श्रीमंत पाटिल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा ऑफर मिलने के बावजूद बिना पैसे लिए बीजेपी में शामिल हुआ, वादे के बावजूद नहीं बनाया गया मंत्री। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के विधायक श्रीमंत पाटिल के बयान पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को पैसे देने की कोशिश की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, छात्रों को नीट परीक्षा से छूट देने की मांग, विपक्षी दलों ने समर्थन की अपील की। AIADMK नेता पलनीस्वामी ने स्टालिन पर साधा निशाना, कहा नीट पर डीएमके सरकार का रुख साफ नहीं, परीक्षा को लेकर छात्रों में भ्रम, एक छात्र के खुदकुशी के लिए ठहराया जिम्मेदार। डीएमके सांसद कनिमोई ने एनईटी की को सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया, कहा नीट परीक्षा का करते हैं विरोध, हमारे छात्रों को उचित मौका और समान मौका दिया जाए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की समस्याएं सुनी, इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का रखा गया था ध्यान। आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर अर्शीद अहमद मीर को किया गया सुपुर्द खाक, आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। श्रीनगर में आतंकवादियों की कायराना हरकत, सब इंस्पेक्टर अर्शीद अहमद की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या, दूसरा आतंकी अर्शीद की पिस्तौल लेकर फरार। घटना के वक्त अर्शीद अहमद एक आरोपी का अस्पताल से चेकअप कराकर आ रहे थे वापस, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, फरार आतंकवादियों की तलाश जारी। श्रीनगर में सीआरपीएफ की बटालियन के बंकर के पास बैग से मिले 6 ग्रेनेड, सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को कराया खाली। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में आए बाढ़, रात में 22 इंच बारिश हुई। घरों में पानी भरने से छतों पर रहने को मजबूर लोग, कई लोग पीने के पानी में भी फंस गए, लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले एक्शन में भूपेंद्र पटेल, जामनगर जिला प्रशासन को आदेश दिया, भारी बारिश से प्रभावित 3 गांव में फंसे लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने का निर्देश। भूपेंद्र पटेल ने पानी में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने को कहा, गांव के लोगों से जिला प्रशासन से बात कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी गई। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में आया सैलाब, नदी किनारे कई मंदिर पूरी तरह से डूबे। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट, 4 मीटर ऊंची हाई टाइड का अनुमान। मुंबई के अलावा ठाणे, रायगढ़ और पालघर में भी रुक रुक कर हो रही बारिश, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 13 सितंबर और मध्य प्रदेश में 14 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में जलजमाव के लिए पिछली सरकारों पर फोड़ा ठीकरा, का विरासत में मिली समस्या, इसे 2 साल में नहीं किया जा सकता दुरुस्त। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है, आने वाले सालों में दिल्ली में कहीं नहीं होगा जल जमा। भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में यमुना में प्रदूषण में कमी नहीं, कालिंदी कुंज में बना सफेद छाक। बारामूला में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की गई जान, एक शख्स लापता, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिवार को मदद देने का दिया भरोसा, जताई संवेदना।
अयोध्या में राम मंदिर का आखिरी खाका तय। राम जन्मभूमि परिसर में 6 और देवी देवताओं के बनेंगे मंदिर। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान सूर्य, गणेश, शिव और देवी दुर्गा के होंगे मंदिर। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर की नींव का काम अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले सप्ताह में पूरा होने की संभावना। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का बयान। भारत दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने केरी से की मुलाकात। जलवायु कार्रवाई पर हुई चर्चा। रूस में जारी है कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज। जापान 2021 फाइनल ड्रेस रिहर्सल में भारत के घातक प्लाटून ने लिया हिस्सा। स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के दौरान आसमान में दिखा अटैक। हेलीकॉप्टर्स का अद्भुत फॉर्मेशन। अभ्यास के दौरान छिपे दुश्मनों पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। स्विट्जरलैंड इस महीने भारतीय नागरिकों से जुड़े स्विस बैंक खातों की देगा डिटेल। भारतीयों की प्रॉपर्टी और इनकम की होगी जानकारी। जेट एयरवेज एक बार फिर भरेगी उड़ान। साल 2022 की पहली तिमाही में शुरू होगा घरेलू परिचालन। महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा का ऐलान। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 17 सितंबर को सीएम ठाकरे के औरंगाबाद दौरे का विरोध करें। ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। केंद्र से ओबीसी डाटा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए महाराष्ट्र सरकार। मुंबई के फाकिना का रेप केस में एसआईटी ने शुरू की जांच। सबसे पहले वारदात की जानकारी देने वाले चौकीदार का बयान दर्ज होगा। मुंबई में फाकिना का रेप केस को लेकर बीजेपी के महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आरपीआई कार्यकर्ताओं ने भी फाकिना का इलाके में किया विरोध प्रदर्शन। कहा उद्धव ठाकरे के शासन में महिलाओं पर बढ़े अत्याचार। फाकिना का रेप केस पर बोली एनसीडब्ल्यू सदस्य चंद्रमुखी देवी। महाराष्ट्र में लगातार हो रही रेप की घटना राज्य सरकार काबू करने में नाकाम। मुंबई की निर्भया केस के बाद 14 साल की बच्ची के साथ उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास रेप की वारदात। आरोपी गिरफ्तार। उल्लासनगर केस के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। पहले भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। औरंगाबाद में मंत्री अब्दुल सत्तार ने बारिश प्रभावित इलाके का जायजा लिया। फसलों को हुआ भारी नुकसान। नागपुर में अधिकारियों पर जमकर बरसे नितिन गडकरी। कहा अच्छा काम करोगे तो माला पहनाएंगे, नहीं तो रिटायर करा देंगे। थाने में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। 2 की मौत, 1 घायल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फर्स्ट लुक आया सामने। नक्काशीदार इमारतें और खंबे की गुलाबी रंग के बीच बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर की आकर्षक छवि। अयोध्या में अखिल भारतीय महापौर परिषद का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू। देश भर में 50 मेयर हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल करेंगे सम्मेलन का समापन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में घर की बालकनी का छज्जा गिरने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत, 2 लोग घायल। 2015 में हुआ था इमारत का निर्माण। 2016 में नगर पालिका को हैंडओवर हुई थी। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतकबीर नगर जिले को 245 करोड़ रुपए की सौगात दी। विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नोएडा के 3 दिन के चुनावी दौरे पर पहुंची यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा। ग्रेटर नोएडा के कुलेश्वरा में ब्राह्मण भूमिहार सम्मेलन में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य के शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम योगी के कामकाज की तारीफ की। कहा समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। मुरादाबाद में एक लड़के को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। लड़के पर चोरी का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पिटाई करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पिटने वाले लड़के के खिलाफ भी चोरी का मुकदमा दर्ज। जावा में 2 बहनों के साथ गैंगरेप का मामला। महज 12 घंटे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौन में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए 4 चोर। 2 अवैध तमंचे और कारतूस जब्त। हथियार हाथरस पुलिस ने एक शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। ललितपुर में पकड़े गए 2 शातिर चोर। पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद। यूपी के गाजियाबाद से 2 शख्स गिरफ्तार। एसबीआई कार्ड से लाखों की ठगी करते थे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शुद्ध पेयजल के लिए लोक सेवा मिशन का जन जागरूकता अभियान। जल जीवन मिशन के तहत लोगों को किया जागरूक। रामपुर में टीचर ने 11वीं क्लास की लड़की के साथ की बदसलूकी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, टीचर गिरफ्तार। नोएडा के सुपर चेक में 2 टावर्स को गिराने की कवायद शुरू। दोनों टावर्स का किया गया ड्रोन से सर्वे। आज नोएडा प्राधिकरण को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली के एंड्रयूज गंज फ्लाईओवर से लड़के ने की कूदकर आत्महत्या की कोशिश। पुलिस ने रेलिंग से खींचकर बचाई जान। पुणे में गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। सुबह आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आसनसोल में कोयले की खान के पास देर रात धंसी जमीन। इलाके में कहीं दीवार गिरी, जमीन में आई दरारें। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दरार। जमीन धंसने की खबर से खौफ में हुए लोग। रात भर इलाके में अफरा तफरी का माहौल। लोगों को सता रहा है घर गिरने का डर। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। लद्दाख के करगिल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पहली बार हुई विमेन साइकिल रैली। भारतीय सेना ने की आयोजित रैली। देश भर में 82 महिलाओं ने लिया हिस्सा।
कर्नाटक के कोलार में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई जीप, 6 की मौत। हादसे में 8 यात्री बुरी तरह से घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, एक विदेशी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 किलो से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की कीमत 30 करोड़ रुपए। इंदौर में सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने का मामला, 4 बदमाश गिरफ्तार। शिमला में ज्वेलरी शॉप से 8 लाख का सोना चुराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों से सोना चांदी और नकदी बरामद। मध्य प्रदेश में साल 2400 से ज्यादा लोगों को हुआ डेंगू, 95 लोगों का चल रहा इलाज। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बड़े बच्चों में वायरल फीवर के मामले, कई बच्चों की हालत गंभीर। सारागढ़ी की लड़ाई में 124 साल पूरे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को दी वर्चुअल श्रद्धांजलि। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया नए विकसित चांदनी चौक बाजार का उद्घाटन, कहा पूरी दुनिया में अब चांदनी चौक की नई पहचान। केजरीवाल ने की घोषणा, आधी रात तक स्ट्रीट फूड की दुकानों के संचालन की अनुमति देकर पूरे चांदनी चौक को टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील किया जाएगा। चांदनी चौक में केजरीवाल का विरोध, कई दुकानदार स्थानीय निवासियों ने लगाए केजरीवाल हाय हाय के नारे। विरोध जताने वालों ने कहा चांदनी चौक के सौंदर्यकरण से उनको नुकसान। 16 सितंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी बेल बॉटम, 19 अगस्त को थिएटर में हुई थी रिलीज। देश भर में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार, अब तक 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में 6 राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 74 करोड़ के पार। इंग्लैंड में भीड़ भाड़ वाले इवेंट में जाने के लिए नहीं दिखाना पड़ेगा कोविड पास, जनता के विरोध के मद्देनजर यूके सरकार ने रद्द किया कोविड नियम। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केस के बीच राहत भरी खबर, अक्टूबर के आखिर तक अमेरिका को मिल सकते हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीके। चीन में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट, पूर्वी चीन के पुतियान शहर में मिले 64 नए केस, बस और ट्रेन सेवा निलंबित। सिडनी में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए कोरोना नियमों में ढील, घर के बाहर 5 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ले जाने पर प्रतिबंध। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन, कम से कम एक और हफ्ते जारी रहेंगे सख्त प्रतिबंध। 24 घंटे में ऑकलैंड में कोरोना के 33 नए केस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चलेगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान, 63,000 लाभार्थियों को लगेगी वैक्सीन। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद विदेशी विमानों की उड़ानें शुरू, सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान ने की लैंडिंग, विमान में केवल 10 यात्री सवार। रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने नहीं छोड़ा अफगानिस्तान, ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के सूत्रों के मुताबिक खबर। रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर पर कब्जे के तालिबान के दावे को किया खारिज, पंजशीर के 70% सड़कों पर तालिबान का कब्जा, लेकिन अहम घाटियां और दर्रे अभी रेजिस्टेंस फोर्स के कब्जे में। अफगानिस्तान के पंजशीर में एमिनेशन डिपो पर तालिबान का कब्जा, डिपो में भारी मात्रा में राइफल, मशीन गन, आर्टिलरी शेल और मोर्टार मौजूद। तालिबान के पीएम अखुंद ने काबुल में कतर के विदेश मंत्री से की मुलाकात, प्रेसिडेंशियल पैलेस में हुई बैठक। तालिबान के जुल्म की एक और तस्वीर, घर में घुसकर की महिला की पिटाई, एक भाई को अगवा किया, दूसरे को मारी गोली। तालिबान का फरमान, बिना पुरुषों वाली क्लास में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ सकती हैं लड़कियां, हिजाब पहनना जरूरी। 9/11 हमले पर FBI के सार्वजनिक किए गए दस्तावेज से खुलासा, सऊदी अरब के बड़े अधिकारियों ने की विमान हाईजैकर्स की मदद। 16 पन्नों के जारी किए गए दस्तावेज, सऊदी अरब की सरकार हमलों की साजिश में शामिल थी या नहीं, इसके कोई सबूत नहीं। मौत की अफवाह के बीच फिर नजर आया अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी, 9/11 हमलों की 20वीं बरसी पर जारी किया वीडियो। उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, मिसाइल 1500 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर लगाया आरोप, का नॉर्थ कोरिया ने नहीं दी मिसाइल टेस्ट की पूर्व सूचना, दोनों देशों के बीच हॉटलाइन नहीं कर रहा काम। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल परीक्षण को जापान ने शांति के लिए खतरा बताया, कहा यह परीक्षण जापान और उसके आसपास के क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए है। इसराइल ने गाजा पट्टी के आतंकी ठिकानों पर किए हवाई हमले, हमले में हमास के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर और हथियार फैक्ट्री समेत 4 ठिकाने तबाह। काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमरीकी सैनिक का शव उनके होम टाउन इंडियाना पहुंचे, सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए सैन्य जुलूस में शामिल हुए बाइकर्स। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को सत्ता से हटाने की दौड़ में शामिल हुई पेरिस की मेयर, 62 साल की मेयर बन सकती है फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो में प्रदर्शन, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। जर्मनी में चुनाव से पहले चांसलर उम्मीदवारों के बीच टीवी पर बहस जारी, दूसरी बहस में जर्मनी के वित्त मंत्री को करना पड़ा कठिन सवालों का सामना, सरकार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डालने का आरोप। ऑपरेशन के बाद पोप फ्रांसिस की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जारी, स्लोवाकिया और हंगरी की 4 दिन की धार्मिक यात्रा पर है पोप। स्पेन के जंगलों में 4 दिन से धधक रही आग, काबू पाने की कोशिश जारी, सैकड़ों फायर फाइटर समेत कई एयरक्राफ्ट लगे। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों से करीब 1500 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, आग से जंगल का 7000 हेक्टेयर इलाका खाक। मैक्सिको में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, रह रहकर निकल रही है राख।
फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। ज्वालामुखी से 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले इलाकों में दहशत। इटली में समुद्र से 40 प्रवासियों का रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड की टीम ने सभी को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। एक नाव पर सवारों का समंदर में जा रहे थे प्रवासी, कोस्ट गार्ड ने दो जहाजों में देखा था। मैक्सिको में लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव का काम जारी, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने से कई घरों को नुकसान। प्रशासन ने लोगों को हादसे वाली जगह से दूर रहने को कहा, 80 लोगों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, कई घरों को नुकसान, 17 लोगों की मौत। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, सड़कों को भी खोलने का चल रहा है काम। इसराइल की जेल से फरार 4 फिलिस्तीनी कैदी गिरफ्तार, कोर्ट में की गई पेशी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग का एरियल तस्वीर सामने, एहतियातन बंद किया गया हाईवे। अमेरिका के जॉर्जिया में एक अपार्टमेंट में धमाका, 4 लोग घायल, जाँच में जुटी पुलिस। ताइवान में तूफान चंथू का कहर, तटीय इलाकों से निकाले गए करीब 2000 लोग। वियतनाम को रक्षा उपकरण देगा जापान, दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग को लेकर डील। बांग्लादेश में करीब 1.5 साल बाद खुले स्कूल, शिक्षकों ने फूल और चॉकलेट देकर बच्चों का किया स्वागत। डेनमार्क में हटाई गई कोरोना पाबंदियां, कॉन्सर्ट में शामिल हुए हजारों लोग। रूसी खिलाड़ी मेदवेदेव ने तोड़ा जोकोविच का 1 ही साल में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना, 3 सेट की जीत के बाद बने यूएस ओपन चैंपियन। मेदवेदेव ने पहली बार जीता ग्रैंड स्लैम का खिताब, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के फाइनल में जोकोविच से मिली हार का बदला भी चुकाया। जोकोविच ने रैकेट पर उतारा अपने खराब प्रदर्शन का गुस्सा, मैच के दौरान 3-3 बार तोड़ा रैकेट, फैंस ने की जोकोविच की हूटिंग। दक्षिण अफ्रीका ने किया T20 सीरीज पर कब्जा, दूसरे मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा। क्विंटन डीकॉक ने खेली 58 रन की शानदार पारी, तबरेज शम्सी ने 20 रन देकर झटके 3 विकेट। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम घोषित की, 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी खिलाड़ी दिनेश चांडीवाल की वापसी। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट के रद्द होने से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन निराश, कहा यह सीरीज सही तरीके से खत्म नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। एंडरसन ने कहा, मैं लंकाशायर क्रिकेट में हर किसी के अलावा प्रशंसकों के लिए निराश हूं, बोले मुझे उम्मीद कि ये किसी समय फिर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल का बयान, आर अश्विन को हमेशा प्लेइंग 11 में मिले चुके। बुधवार को ब्रिटेन से रवाना हो सकते हैं रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ, रवाना होने से पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत होगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने जॉनी बेयरस्टो के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया। वेस्टइंडीज के उभरते विस्फोटक बल्लेबाज शिफेन रदरफोर्ड की टीम में शामिल। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने टिम पेन को फटकार लगाई, कहा परिस्थितियों को बगैर जाने उन्हें आक्रामक बयान नहीं देना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत ने सचिन को दिया सफलता का श्रेय, बोले उनकी खेल भावना ने मुझे काफी प्रभावित किया। बिहार के कटिहार में दिखा अनोखा नजारा, हसनगंज में भैंस पर सवार होकर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवार। फ्रांस में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भिड़े 2 गुट, जमकर हुआ हंगामा, तस्वीरें वायरल। ग्रीस में कोरोना वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने का विरोध, प्रदर्शनकारियों पर टियर गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कराची में बलोच परिवारों का प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी पर लगाए परिजनों का अगवा करने का आरोप। यूएस के अटलांटा में एक अपार्टमेंट में भीषण आग, कई लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुणे के दगड़ू से हलवाई गणपति को एक भक्त की बड़ी भेंट, भगवान के लिए बनाया 10 किलो के सोने का मुकुट। एक्टर सोनू सूद ने अपने घर पर की गणपति पूजा, घर के बाहर जमा फैंस को बांटा प्रसाद। गुजरात के राजकोट में एक महिला ने थर्माकोल के ग्लास से सजाया गणपति का पंडाल, दूर दूर से देखने आ रहे हैं लोग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।